बीजेपी से बगावत करने वाले यशवंत सिन्हा ने किया पार्टी छोड़ने का ऐलान। पीएम मोदी पर लगाया देश को बर्बाद करने का आरोप, कहा मोदी सरकार ने लोकतंत्र को खतरे में डाला। पॉक्सो एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मोहर, बच्चों के बलात्कारियों को मिलेगी फांसी की सजा, अध्यादेश लाएगी मोदी सरकार। मध्य प्रदेश में इंसानियत हुई शर्मसार, इंदौर में 4 महीने की बच्ची से रेप के बाद हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बच्चियों के साथ अपराध की घटनाओं पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का बयान, पहले भी होते थे हादसे, अब होती है पब्लिसिटी। सूरत रेप केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पीड़िता का चाचा हो सकता है मुख्य आरोपी। मेरठ में पंचायत ने लगाई रेप की कीमत, पीड़िता से कहा 3 लाख लो और मामला सुलझाओ। सोनिया गांधी के गढ़ रायबरेली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की हुंकार, जनसभा को संबोधित करते हुए कहा रायबरेली को परिवारवाद से कराएंगे मुक्त। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को साथियों का सहारा, अखिलेश तेजस्वी शरद पवार मांगेंगे कांग्रेस के लिए वोट, सोनिया गांधी रहेंगी प्रचार से दूर। सीजेआई के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर कांग्रेस पर बरसी बीजेपी, केंद्रीय मंत्री विजय गोयल बोले कांग्रेस कर रही है न्याय प्रणाली पर हमला। मध्य प्रदेश में गिरी बीजेपी सरकार, बीजेपी के नए अध्यक्ष राकेश सिंह का विवादित बयान, मीडिया को पैसे खिलाकर सुर्खियों में रह सकते हैं। बिहार में बंगले को लेकर नीतीश और तेजस्वी में आर पार, भवन निर्माण विभाग ने दिया बंगला खाली कराने का आदेश, तेजस्वी बोले तानाशाह है नीतीश। महाभारत काल में इंटरनेट होने की बात कहने वाले त्रिपुरा के सीएम का राज्यपाल तथागत रॉय ने किया बचाव, कहा प्राचीन काल के लोग थे सुपर ह्यूमन। कठुआ और उन्नाव रेप मामले में इंसाफ की मांग को लेकर स्वाति मालीवाल का अनशन जारी, गुरमेहर कौर ने मालीवाल के अनशन का किया समर्थन। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, एक सीआरपीएफ का जवान शहीद। गाजियाबाद में फोन पर बात कर रहे ड्राइवर की लापरवाही ने छीन ली कई लोगों की जिंदगी, गाड़ी के गहरे नाले में गिरने से दूल्हे के परिवार समेत 7 लोगों की मौत। अमेरिका का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप, मीडिया की आवाज दबा रही है मोदी सरकार, आलोचना करने वाले मीडिया संस्थानों को किया जा रहा है परेशान। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन का बड़ा फैसला, किम ने परमाणु परीक्षण पर लगाई रोक, फैसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जताई खुशी, कहा दुनिया के लिए अच्छी खबर। आज रात 8 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली डेयर डेविल्स के बीच होगा मुकाबला, बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। कश्मीर में शूट हो रहा है रेस 3 का क्लाइमैक्स, सलमान और पूरी टीम पहुंची कश्मीर, अल्लाह दुहाई गाने को किया जाएगा शूट। और इंस्टाग्राम पर शाहिद कपूर ने सुनाई खुशखबरी, फिर से मम्मी बनने जा रही हैं मीरा राजपूत।